नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। बंदूकधारियों ने सिडनी में कई लोगों को बंधक बनाया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब अज्ञात बंदूकधारियों ने एक चॉकलेट कैफे में कुछ लोगों को बंधक बना लिया। हालांकि 6 लोग बंदूकधारियों की कैद से भागने में कामयाब रहे हैं। एक जानकारी के मुताबिक इन लोगों ने बताया कि बंदूकधारियों ने 2 बम कैफे में लगाए हैं और 2 सिडनी के ही किन्हीं अन्य स्थानों पर। इस बीच बंदूकधारियों ने मांग की है कि उन्हें आईएस का झंडा उपलब्ध कराया जाए, साथ ही उनकी बात ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी अबॉट से कराई जाए। बताया जा रहा है कि बंधकों में एक भारतीय भी शामिल है। भारतीय समय अनुसार यह घटना प्रातः 4:15 की है और बंधकों की संख्या को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। गैर मुस्लिम महिलाओं से बलात्कार सही इस्लामिक स्टेट की घिनौनी हरकत। क्रूरता के लिए कुख्यात आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने गैर मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों को बंदी बनाने और उनके साथ जबरन यौन संबंध बनाने को जायज ठहराया है। इस संबंध में आईएस ने अपने कब्जे वाले इराक के शहर मोसुल में शुक्रवार शाम को पर्चे भी बांटे हैं। महिला बंदियों और उनकी स्वतंत्रता पर सवाल जवाब शीर्षक वाले इन पर्चों में लिखा है कि गैर मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को बेचा और उपहार के रूप में किसी को भी दिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीवन स्मिथ के हाथों में। हरफनमौला खिलाड़ी स्टीवन स्मिथ भारत के खिलाफ चल रही सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभालेंगे। वे चोटिल माइकल क्लार्क की जगह लेंगे। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में चोटिल हुए क्लार्क का सीरीज के बाकी मैचों में खेल पाना मुश्किल है। नाराज सलमान ने छोड़ा बिग बॉस का स्टेज। बिग बॉस 8 में सलमान खान प्रतिभागियों से बातचीत के दौरान भड़क गए और स्टेज छोड़कर चले गए। दरअसल शो के दौरान सलमान ने बिग बॉस प्रतिभागी प्रीतम सिंह को यह कहते हुए चिढ़ाया कि शायद वह इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि करिश्मा से बात करें या न करें। सलमान की यह बात करिश्मा ने दिल पर ले ली और रोना शुरू कर दिया। प्रीतम ने जब उनसे रोने की वजह पूछी तो करिश्मा ने कहा कि हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता। इससे सलमान नाराज हो गए और गुस्से में स्टेज छोड़कर चले गए।